आ ही गए ना यार एक और कॉलेज के बारे में डिटेल्ड में जानने में। जी हाँ दोस्त, आज हम लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, जी हाँ हर एक बच्चे का सपना, हर उस क्लैट एस्पिरेंट का सपना, जी हाँ टॉप 3 में जाने का, जी हाँ NUJS तक पहुंच पाने का, नालसार हैदराबाद भी आने वाला है दोस्त। आज हमारी ये 100th वीडियो होने वाली है, तो इसको प्यार भी अभी वाली वीडियो से 100 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। यार अगर अभी हमारे सब्सक्राइबर्स को तुम 1000 पहुंचा रहे हो, यानी कि इस वीडियो को जम के शेयर कर रहे हो, तो अगली वीडियो 101st वीडियो जो होने वाली है वो 101st वाली मैं तुम्हारे लिए NLS बैंगलोर कवर करूंगा। अदरवाइज जब तक तुम उसको टच नहीं करा दोगे, अदर तब तक मैं और कॉलेजेस लाता रहूंगा। तो इट्स अप टू यू दोस्तों, कॉलेज को, अपने फ्यूचर कॉलेज को, NLS बैंगलोर को, जो हर बच्चे का सपना होता है। हाँ जी, सबसे पहले कोई बच्चा किसी प्रिपरेशन में आता है तो पूछता है कि इसमें टॉप का क्या चीज है, आई विल गो टू द टॉप। तो उसमें वो पूछता है कि कहाँ, NLS बैंगलोर जाना है, मैं जाऊंगा, मेरा कॉलेज है। बच्चा पूरे साल उसका सपना देखता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू हिज प्रिपरेशन, अकॉर्डिंग टू हिज हार्ड वर्क, वो अपना कॉलेज, ड्रीम कॉलेज पा पाता है। ऑल दो ऑल द अदर कॉलेजेस आर गुड, बट NLS इज NLS। रीजन तो मैं बताऊंगा उस वीडियो में, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो जस्ट तुम्हारे सब्सक्राइबर्स 1000 तक पहुंचाने का इंतजार है। दोस्त प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल, सो दैट आई कैन ब्रिंग टू यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉलेज की डिटेल जानने से पहले चलो यार कॉलेज को घूम कर आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। जी हाँ आज हम लोग NUJS की बात करेंगे यार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता। थर्ड नंबर देंगे इसको, कहीं भी कोई भी रैंकिंग कुछ भी कह रही हो, हम लोग इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे थर्ड नंबर पे रख रहे हैं। क्लैट के थ्रू जो मिलते हैं कॉलेजेस उनमें बात करेंगे, NLUD को भी हम लोग सेपरेट होकर चलते हैं, NLUD की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको लिस्ट में डालेंगे तो अलग तरह की प्रेफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। सो उन चीजों के लिए वेट करो NLUD की वीडियो आने का, NLS की वीडियो आने का, और नालसार की वीडियो आने का। और सभी को देखने के लिए दोस्त क्या करना है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यार, और बेल आइकन को भी दबा देना है। वीडियोस बहुत ही मजेदार होने वाली हैं, तुम्हें वो डिटेल्स मालूम पड़ेंगी जो तुम्हें कॉलेज के अंदर की कभी नहीं मालूम पड़ती यार, बिफोर गोइंग टू कॉलेज, बिकॉज आई माई सेल्फ बींग अ स्टूडेंट ऑफ CNLU, हमें अदर कॉलेज के बारे में तब तक नहीं मालूम पड़ता जब तक मैं तुम्हारे लिए ये डिटेल्स उस कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों से पूछ पूछ कर, नोट्स बना बना कर नहीं लेके आ रहा होता। सो कीप दैट पॉइंट इन माइंड, सो टू लिव दैट एक्सपीरियंस, टू नो वॉट यू आर गोइंग टू हैव इन योर लाइफ, उसके लिए वीडियो को देखना एंड तक जरूरी है दोस्त। तो चलो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं लर्नस्पायर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नाम को मत भूलेगा। अबाउट NUJS दोस्त, 1999 में एस्टेब्लिश हो चुका है तुम्हारा कॉलेज, और मात्र 3 यूनिवर्सिटीज, जी हाँ GNLU, NUJS और NLSIU, ये 3 ही ऐसे कॉलेज हैं पूरे भारत भर में, पूरे भारत भर में, जिनके जो चांसलर हैं वो हमारे आदरणीय श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो रखे हैं। इसका फायदा सर क्या अंतर पड़ रहा है यार, जब चांसलर के हाथ में अथॉरिटी होती है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए डिसीजंस लेने के लिए, तो जब अथॉरिटी आपकी इतनी पावरफुल हो तो आपके पास सारी चीजों को अवेल करवाने के लिए, सारी फैसिलिटीज को पाने के लिए अच्छे मेजर्स रहते हैं। तो इस चीज की वजह से इन यूनिवर्सिटीज को एज मिलता है औरों कंपेयर में। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, चीजें जानने के योग्य भी नहीं है, बाकी बस ये चीज समझ लो कि ये चीज अच्छी होती है। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं लोकेशन क्या हो रखी है। लोकेशन जो है सिटी ऑफ कोलकाता में लोकेटेड है ना, वन ऑफ द मेजर मेट्रोपोलिस हो रहा है ना, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं कोलकाता को फिर, है ना। यहाँ पे सॉल्ट लेक सिटी वगैरह आपको जो है देखने को चीजें हो रही होंगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो रहा है अपना, डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, और डिस्टेंस जो है बस स्टॉप से भी 3 किलोमीटर है। यार बहुत ही ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होगी ऑटोमेटिकली। सोचो कोलकाता में है तो पूरे इंडिया से दोस्त तुम किसी भी परेशानी की बिना इस कॉलेज में आ सकते हो। और NUGS आने के लिए ना यार, आई नो आई एम गिविंग माई वर्डिक्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो मोस्टली, बट NUGS आने के लिए ना डिस्टेंस नहीं देखा जाता दोस्त, और ना ही इन कॉलेज का रिव्यू किया जाता है। यहाँ तो बस आया जाता है, एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इस वीडियो को देखते चलो और मस्ती को एंजॉय करो यार, इस कॉलेज में क्या क्या धाकड़ चीजें तुम्हारे इंतजार कर रही हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की। हम लोग बात करेंगे कोर्सेज प्रोवाइडेड यहाँ पे कौन कौन से हो रखे हैं। कोर्सेज प्रोवाइडेड यार यहाँ पे बढ़िया सा BSc LLB दिखाई दे रहा है हमें। BA तो है ही है, BSc LLB ऑनर्स भी दिखाई दे रहा है। तो साइंस वाले बच्चों, थोड़ा सा अगर तुम्हारा अभी मैथ्स वैथ्स की तरफ इंटरेस्ट अभी जागरूक है तो तुम इसके साथ अपनी दोनों चीजें परस्यू कर सकते हो, और अपनी बीएससी की डिग्री और एलएलबी की डिग्री दोनों उठा सकते हो। और ये PhD हमारा LLM, LLD, MPhil और NUGS का डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलता है, इन चीजों को हम लोग देख सकते हैं। लोग बाग इसमें जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आप बस वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पज के देख लें। बेसिकली मेरा फोकस इस वाली क्राउड पे हो रहा होता है हर एक वीडियो में, तो इस वाली क्राउड में पूरा सपोर्ट चाह रहा होता हूँ क्योंकि मैं भी अभी तुम्हारे ही जैसा एक स्टूडेंट हूँ यार। सो प्लीज हेल्प माई एफर्ट्स, प्लीज हेल्प सपोर्ट माई एफर्ट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं यार। रिजर्वेशन क्राइटेरिया हम लोगों का जनरल में 51 सीट हो रखी है, टोटल 72 है ना, डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का 72 हो जाता है। टोटल सीट्स की बात करें, ये सब अपना कोटा वोटा देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बात है हम लोग जो है ना इसके अकॉर्डिंग अपनी जब रैंक आएगी तो अपना जो है डिवीजन करते हुए और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें एडमिशन ले रहे होंगे। कोई भी चूक नहीं करनी है ड्यूरिंग एडमिशन यार, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ध्यान से रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस को कवर पकड़ना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हमारी रैंक अच्छी आ रही होती है और हमें क्या पता एक ऊपर का कॉलेज मिल सकता है, एक ऊपर का, लेकिन हम मिस कर देते हैं। वैकेंसीज भी इजी अच्छे से होती है। सो एनीबडी इफ हैविंग एनी डाउट इन एडमिशन अबाउट एडमिशन तो आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉर दैट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ यार फॉलो मारो, क्वेश्चन पूछ दबा के सारे रिप्लाई कर रहा हूँ, पूछ लो यार अपने दोस्तों से, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर की तरफ। बहुत ठीक ठाक सा यार, कोई ज्यादा नहीं है। विंटर सेमेस्टर का मुझे फीस स्ट्रक्चर मिल पाया था, एक्चुअली टोटल फीस स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था, तो आई लाइक वही मेरे पास अवेलेबल था, तो आई लाइक पोस्टेड इट फॉर यू। तो आई थिंक ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली एज ऑफ नाउ, सो दिस इज देयर, यू कैन टेक अ आइडिया, कोई ज्यादा नहीं है, तुम लोग अच्छे खासे आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और बिलीव मी वही बात जो मैंने लोकेशन में कही थी, इफ इट इज NUGS तो कितनी दूर है, कितनी फी है मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम जो बन के निकलोगे वो कुछ अलग ही होगा यार, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं यार, है ना, बात कर रहे हैं हम लोग फैसिलिटीज की। फैसिलिटीज के बारे में एक चीज बताऊंगा यार, देखो एक चीज जो NUGS के बारे में जो थोड़ी सी खराब लगी यार, इनका कैंपस पता है कितना है, केवल 5 एकड़ का। जी हाँ, केवल 5 एकड़ का। आप अदर NLUs में सुन रहे थे 60 एकड़, 55 एकड़, 50 एकड़, दैट वाज वेरी कॉमन। इवन CNLU, जी हाँ, इवन CNLU का 18 एकड़ था, तो उसका भी 1/3 हो रखा है केवल 5 एकड़ का। समझ लो कि कैंपस के नाम पे कुछ नहीं है, ग्राउंड्स के नाम पे कुछ नहीं है, बस एक क्वाड बना है, उसके अराउंड बिल्डिंग्स है, हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, एकेडमिक ब्लॉक है, मेस है एंड जिम है आपकी, और वो सब फैसिलिटीज क्या क्या और अवेलेबल है वो मैं दिखा रहा हूँ। बाकी दैट्स इट, इसके अलावा कैंपस लाइफ नहीं है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि 400 से 500 लोग जो वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर होम बना के रखा है, वो जितने बेस्ट फैसिलिटीज उतने कम एरिया में अरेंज कर सकते थे वो वहां करी गई हैं। इसका आइडिया आपको इन फोटोज को देख के लग रहा होगा, सेमिनार हॉल इतना शानदार बना रखा है, लाइब्रेरी इतनी बेहतरीन बना रखी है, इसके बाद क्लासरूम भी आपके डिजिटल हो रखे हैं, फिर जिम देख लो यार तुम क्या नहीं चाहो, मूड कोर्ट हॉल भी तुम्हारे लिए प्यारा सा बन रखा है, हर चीज यार हर चीज। छोटा एरिया, आई नो रूम्स भी छोटे हैं। एक और चीज रूम्स के बारे में ले जाओ, चलो मेरे से है ना अंदर की बात बताता हूँ। तो रूम्स में एक चीज मुझे सुनने में आई कि AC लगाने नहीं देते हैं ना, कूलर लगाने देते हैं, आई डोंट नो रीजन क्या हो रखा है, बट दिस इज नॉट अलाउड देयर। और एक चीज और होती है, जब हम लोग रूम्स अलॉटमेंट की बात करते हैं तो आप एज अ फर्स्ट ईयर जब एंटर करोगे कॉलेज के अंदर तो आपको फ्लैट्स अलॉट होंगे, हॉस्टल्स अलॉट नहीं होंगे, और उन फ्लैट्स में आप 8 बच्चे एक 2 BHK के फ्लैट में, ठीक है, रह रहे होंगे, और अपना सेकेंड ईयर में आप हॉस्टल्स में शिफ्ट किए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं इसका रीजन रैगिंग से बचाना है, कुछ लोग बताते हैं कुछ और है।
व्हाटएवर इट इज वो आप देख सकते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट, आपकी एकोमोडेशन कुछ इस तरह से हो रही होती है कॉलेज के अंदर। तो ये होते हैं कुछ इस तरह के रूम्स हम लोगों को जो समझ में आ रहे हैं, NUGS के अंदर आप पा रहे होंगे, बहुत अच्छे नहीं है रूम्स की क्वालिटी, RGNUL में बताई गई बहुत शानदार, NUGS की रूम्स अच्छे नहीं है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, AC हॉस्टल वाली AC कूलर वाली बात भी लोगों को परेशान करती है, बट आई थिंक आपके बेटर फ्यूचर के थोड़ा सा परेशानी अगर आप फिजिकल लेवल पे झेल रहे हो तो वो चल सकता है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी हमारी हो रखी है, कंप्यूटर लाइब्रेरी में मतलब नहीं होते हैं काफी जगहों पे बच्चों के लिए, तो उस चीज को देख सकते हैं। मैथ्स भी डिसेंट सी है ना, एक बात और, मैथ्स डिसेंट सी है तो है, कॉमन मैथ्स है, लाइक फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज यू हैव अ कॉमन मैथ्स, यू ईट टुगेदर एंड देन यू गो बैक टू योर ओन हॉस्टल, तो ये चीज एक फैक्ट है विच इज टू बी मेंशन, ये चीज आप याद रखेंगे। हॉस्टल लाइब्रेरी एंड जिम के बारे में कुछ कुछ भी बेसिक बातें मैंने तो बताया, जो 2 BHK फ्लैट हो रहा है उसमें 8 स्टूडेंट्स हैं, जो कमराज करता है 2 रूम्स है ना एंड अ हॉल, फिर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को जो है ना रूम अलॉट हो जाता है, ये सब चीजें बेसिक है, एयर कंडीशन जिम है, एयर रिक्रिएशन हॉल है, डाइनिंग हॉल है, ये सब चीजें हम लोग देख पा रहे होंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत है। स्कूल्स हमें NUGS, ये सारे स्कूल्स एस्टेब्लिश हो रखे हैं NUGS में, आप यहाँ जाए तो इनके बारे में पता कर सकते हैं और उनकी चीजें अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेंटर्स यार देखो, सेंटर्स बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं जब किसी इंस्टीट्यूशन के, तभी इंस्टीट्यूशन का अलग अलग जगहों पे नाम होता है, ये इनका काम होता है रिसर्च करना, सेमिनार कंडक्ट कराना, और जितनी जगहों पे इन ये सेंटर्स हैं इन बच्चों का, इसमें अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट होता है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग इनटू लाइक ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर एंड देन दे आर फंक्शनिंग एज पर द ऑब्जेक्टिव मेंशन, द चाइल्ड राइट्स के ऊपर है, फाइनेंशियल स्टडीज के ऊपर है, वुमेन लॉ के ऊपर है ना, तो इन चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा, वहां जाकर आप इसमें अपनी एक नॉलेज का एक और परत ऐड कर सकते हैं और अपने आप को और एनहांस कर सकते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, पर्सनैलिटी को और 4 चांद लगा सकते हैं। तो ये चीज और एनिल्यूज में बोलोगे सर क्या, तो और भी तो थे, तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत एक्टिव है यार, बहुत एक्टिव है, मजा आ जाएगा, ठीक है, बच्चों के साथ काम करने में मजा आएगा, टीचर्स भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज वाई इट इज NUGS। हमारी बात करें यार इवेंट्स की, जी हाँ यही जन्नत होती है, यही काम होता है हमारे कॉलेजेस में, सबसे बेस्ट कहते हैं कॉलेज लाइफ की जीने का जो असली मजा है वो इवेंट्स और फेस्ट में, हमारे फेस्टिवल्स जन्नत हो रहे होते हैं। बात करेंगे NUGS में, इन्विक्टा का जो नेशनल स्पोर्ट्स फेस्ट है ना यार, ये क्लेम करता है NUGS की इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्ट ऑल ओवर द कंट्री में। अब कहोगे सर आपने बताया तो ग्राउंड है नहीं, तो हाँ सही बात है यार, ग्राउंड नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पास में जो एरिया है उसको हायर करते हैं फॉर दोस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज इन विच दे आर कंडक्टिंग एनी पर्टिकुलर इवेंट, और उस टाइम पीरियड में ये लोग वहां पे जाके इवेंट को कंडक्ट करवा रहे होते हैं। हर्बर्ट नेशनल कॉर्पोरेट लॉ मूट हो रहा होता है, NUGS पार्लियामेंट्री डिबेट जो अपने आप में काफी ज्यादा पुरानी और काफी अच्छी डिबेट मानी जाती है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये आउटलॉड एक कल्चरल फेस्ट है, काफी बड़े लेवल पर होता है, इसमें भी ऑल कॉलेज से इनवाइट किया जाता है बच्चों को, और वहां पे बच्चों के साथ अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, बढ़िया कैच प्राइज रखे जाते हैं, और ओवरऑल बहुत सारी मस्ती का यहाँ पे मेल हो रहा होता है। आप किसी भी NLU में जाएंगे तो भी आप इन जगहों पर जब इन्वाइट करें तो आई सजेस्ट प्लीज पार्टिसिपेट एंड एंजॉय योर लॉ स्कूल लाइफ। दो स्टूडेंट कमिटीज में भी सेंटर वाला सीन, लेकिन यहां पर कंप्लीटली स्टूडेंट रन होती हैं, वहां पे टीचर्स का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है, बट दिस इज योर गेम यार, यहां पे मूड सोसाइटी में बच्चे ही हो रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, आपको सिखा रहे होंगे आपके सीनियर्स की मूड अच्छे से कैसे करना होता है। मूड की बात करूं तो NUGS की अपने आप में अलग लेवल की मतलब लेगेसी बन रखी है ऑल ओवर द कंट्री में, हर तरह के अच्छे मूड्स NUGS के बच्चे जीत रहे हैं। बाकी हम बात करेंगे और भी चीजों की, तो हर चीज एक्टिव हो रही है, मूड के बच्चों को ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो मूड के बारे में ज्यादा ध्यान से बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट अबाउट द मूड फॉर सोसाइटी, तो एवरीबॉडी सेज कि हाँ दे आर एक्ट हैविंग एक्टिव मूड फॉर सोसाइटी, बट आई वुड से कि हाँ बताइए एक्टिविटी कितनी, तो बताइए प्राइजेस हमारे अचीवमेंट में, दैट इज देयर इन स्टूडेंट कमिटीज ऑफ NUGS, ठीक है सर। चलिए, द स्टूडेंट ऑफ ज्यूरिडिकल एसोसिएशन SJ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रमोट को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये फालतू इन्फॉर्मेशन है यार, मेरे को लगी हुई तो मैंने डाल दी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बात करेंगे आगे की चीजों की, हम लोग प्लेसमेंट देख लेते हैं, जन्नत चीज बता रहा हूं तुम्हें, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्लेम कर रहा था 2008 तक NUGS, 2008 तक क्लेम कर रहा था, मतलब ऐसा होता है बच्चे थोड़े कम बैठने लगते हैं और उसमें से भी कुछ कम, एक आध दो का कम प्लेस होते हैं, तो ऐसा है ना ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है ना ये डेटा अवेलेबल, बट अगर हम बात करें करंटली तो ऐसा समझ लो कुछ ऐसा हमको डेटा मिल पा रहा है कि टोटल जॉब ऑफर हमारे 119 आ रहे हैं उसमें 78 एक्सेप्ट हुए जा रहे हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स में 46 to 42 lakhs का पैकेज, भाई साहब हम बोल रहे हैं कुछ ही को मिल रहा हो पर एक लॉयर को, समझ रहे हो कॉर्पोरेट लॉ वालों,
अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, मजा आ गया सुन के कि नहीं आ गया। 42 to 46 लाख का पैकेज आप उठा सकते हैं इस कॉलेज में आके। 40 लाख के ऊपर कुछ भी समझ पा रहे हो यार? 15 से 18 लाख का डोमेस्टिक पैकेज हो रहा है जो इंडिया में ना जा रहे हैं। 15 से 18 लाख तो इनिशिएशन होता है यार आपका, 1 से 2 से 3 साल के अंदर प्रमोशन होकर बहुत ही ज्यादा अच्छी अर्निंग आप इंडिया में ही कर पा रहे होते हैं। और ये कोई बुरी नहीं है, तुरंत के तुरंत आप ऐसे ग्रेजुएट निकलते हो तो ये भी एक बहुत ही शानदार अमाउंट है जो आपको मिल रहा होगा। तो बी प्रिपेयर्ड टू गो इन NUGS एंड ग्रैब दीज प्लेसमेंट, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, ठीक है। बेस्ट पार्ट क्या है, टीयर वन लॉ फर्म ज्यादातर यहाँ पे पहुंच जा रही होती हैं। देखो यार, कॉलेज की जो लॉ फर्म्स होती हैं उन्हें पता है कि सबसे टॉप के कॉलेज में सबसे टॉप बच्चे हो रहे हैं, तो वहां अगर आप जाते हो तो एक आपके पास वही ब्रांड नेम, पता क्या होता है ब्रांड नेम, यही तो होता है जो एक बच्चे साथ चलता है। आपको अच्छे से आपको कोई भी समझाया कि यार ये NUGS का है यार, इसमें कुछ ताकत है, इसमें कुछ मतलब ही हैज समथिंग विद इन, क्योंकि वो NUGS में पढ़ रहा है। तो ये एक प्री कंसेप्ट है, भले आप कुछ ना कर रहे हो, भले आप पीछे कॉलेज वालों से कम पढ़ रहे हो, बट दैट इज समथिंग विच गोज विद यू। सो टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड ग्रैब अ बिग प्लेसमेंट, बिग पैकेज एंड बी अ लिव अ हैप्पी लाइफ, ओके। तो इस सब के लिए लाइक तो बन रहा है वीडियो को, और बात कर रहे हैं अकेडमिक्स की, ज्यादा मतलब नहीं होता लोगों को, बट मेरा काम है तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना। 100 नंबर तुम्हारे हो रहे होंगे, 70 नंबर का तुम्हारा एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसे एंड टर्म तो बोल रहे होगे, और 30 नंबर का जो है तुम्हारा इंटरनल होगा जिसमें तुम 20 और 10 में बांट रहे होगे। प्रोजेक्ट मिल रहा होगा तुम्हें और वाइवा मिल रहा होगा। किसी को इसमें भी डाउट होगा तो कॉलेज पहुंचने में तुमको कॉल वॉल कर लेंगे यार, इंस्टाग्राम पर पहुंच के बात बात कर लेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में गाइडेंस अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एडिशनल फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं। 80% तक रीइंबर्समेंट हो जाता है यार मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन तुम करने जाते हो ना, जब तुम अलग अलग जगहों पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन करने जाते हो तो इवन तुम्हारे पता है खर्चा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का पर पर्सन आ जाता है। तो वो एक बच्चे को अफोर्ड करने के डर से ही कई बार कई कॉलेज में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जहां पे कॉलेज में रीइंबर्स नहीं किया जाता, बच्चों को कॉलेज वापस पैसे नहीं देता है। बट दिस हैपेंस इन NUGS, अबाउट 80% ऑफ द अमाउंट विल बी रीइंबर्स टू यू इफ यू आर गोइंग टू अ मूड कोर्ट थ्रू NUGS, समझ पा रहे हो। एक चीज बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार जो होनी चाहिए अच्छे कॉलेज में यार, देख रहे हो यहाँ पे नो मार्क्स डिडक्शन यार, मैं थक गया था कॉलेज से बात कर करके, बोल रहे हैं 5 नंबर काट देते, 10 नंबर काट देते हैं। मैं अब बता रहा हूं, यही चीज बोलता हूं, जो टॉप के कॉलेज है ना वहां पीपल रियलाइज कि इनको जबरदस्ती पढ़वाने की जरूरत नहीं है, ये आए हैं यहां तक तो ये अपना फ्यूचर बना के ही जाएंगे, सो दे विल स्टडी बाय देयर ओन, तो उन्हें फोर्स करने की 5 नंबर का दबदबा बनाने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट देयर। 75% नेसेसरी है बिकॉज ऑफ गिविंग एग्जाम्स, बट You have no marks deduction for a low attendance, ठीक है। स्टूडेंट बेस काफी अच्छा है, बताते हैं लोग कि हमारी छोटी सी फैमिली है, छोटा सा एरिया है कैंपस, आई नो वी नो, बट इन बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा कैंपस ओनली वी पीपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वी आर इंटरेक्टिंग एवरी नाउ एंड देन विद एवरी वन ऑफ अस, सो दैट इज वाई वी आर हैविंग अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन अस, ठीक है। लाइब्रेरी टाइमिंग हम लोग देख पा रहे हैं, और कर्फ्यू टाइमिंग भी इसकी सिमिलर हो रही होंगी, 8 से 2 बजे, सुबह 8 से शाम के 2 बजे तक लाइब्रेरी खुल रही होगी, कईयों में 12 बजे ही बंद हो जाती है, कुछ कॉलेज 10 ही बजे खत्म कर देते हैं लाइब्रेरी का टाइमिंग। और उसके बाद मैं बताता हूँ यार बढ़िया बात, केवल 2 बजे नॉर्मल डेज में बंद हो रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब प्लेसमेंट होते हैं, जब कोई मूट होता है, जब कोई इवेंट होता है, इन ऑल दोज टाइम्स दिस लाइब्रेरी इज ओपन 24 आवर्स, और जब ये 24 आवर्स ओपन होती है तो बच्चों को भी 24 आवर्स इसका एक्सेस होता है, यानी कि इनके पास कोई भी कर्फ्यू टाइमिंग नहीं हुई। तो हुई ना यार एकदम बेस्ट कॉलेज वाली बात, ना अटेंडेंस के लिए मार्क्स, ना कर्फ्यू टाइमिंग्स, रीइंबर्समेंट मिल रहा है मूड को। तो अब तो यार समझ में आ रहा है कि क्यों ये NUGS है, नहीं होता यार कैंपस से मतलब, नहीं होता और चीजों से मतलब, कर्फ्यू टाइमिंग देख ली है, मतलब होता है एक स्टूडेंट की फ्रीडम, एक स्टूडेंट के फ्यूचर का, प्लेसमेंट भी शानदार है, तो क्यों हम NUGS में ना जाए यार। फैकल्टी मिक्स यार, वही बात इस फैक्ट में तुम्हारे लिए बस एक्स्ट्रा बना देता हूँ, फैकल्टी इज ऑलवेज गुड, मतलब हम कौन होते हैं जज करने वाले, बस कुछ स्टूडेंट का होता है नहीं तो कुछ होता है, हाँ। सो वी आर सेइंग कि फैकल्टी अच्छी ही है जब उतने टॉप के इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले। तो वाई नॉट NUGS सर, टफ क्वेश्चन यार, जबरदस्ती की चीजें लिख के आया हूँ, छोटा कैंपस है, छोटा सा इन्वॉल्वमेंट मान लो, है ना, बट ये सब यार खुद दो रीजन है, लाइक पीपल सेड कि समटाइम्स स्टूडेंट्स आर टू मच इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन कप, और कुछ कुछ चीजें हैं ना, तो स्टूडेंट की वॉइस का ज्यादा है तो कुछ की वॉइस दब जाती होगी,
So that is why it's the opinion, it's the subjective thing. So I think you can ignore this particular point. है ना, तो ये एग्जामिनेशन वगैरह में भी कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों ने बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का किस तरह से फॉर्म में किस फॉर्म में कंडक्ट होगा, इट वाज डिसाइडेड एज पर द स्टूडेंट. तो सम किसकी किसी किसी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी कि हाँ हमारी बात की कुछ कदर है, किसी किसी के लिए अच्छी नहीं होगी जो क्लास में कम बोल पाते हैं तो उन्हें लगता होगा कि वो चीज़ की वैल्यू में, बट आई थिंक यू कैन इग्नोर इट, नो इशू है ना. बाकी हम लोग बात करेंगे NUGS क्यों जाना है, एक नहीं दो नहीं यार हजारों रीजंस हैं, लेकिन मैं मतलब बेस्ट उठा लो यार, हाई प्लेसमेंट हम लोग हैं, गुड कल्चर स्टूडेंट का, जिस जगह आप रह रहे हो उस जगह पे आपकी कदर है, लोगों को आपको प्यार कर रहे हैं, और हाईली कॉर्पोरेट एनवायरमेंट मिल रहा है. यार देखो कॉर्पोरेट एनवायरमेंट की बात बता दूं, लोगों ने बताया कि यहाँ पे जुडिशियरी यूपीएससी कल्चर कम हो रखा है, ठीक है, चीजों को कॉर्पोरेट कल्चर से ज्यादा अच्छा हम लोग वो कर पाते हैं, ठीक है, एनालाइज कर पाते हैं, और लोग वहां पे ज्यादा उस चीज के लिए मोटिवेटेड है. स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो हो रही हैं उसके लिए माफी चाहूंगा, है ना, कोई उस चीज पर ध्यान नहीं देना है. और अब हम बस यही बोलेंगे कि यार इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें ये डाउट लग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो प्लीज यार NLS की और NASAR की और NLUD की इससे भी बेहतरीन होने वाली है. सो फॉर वॉचिंग देम, सबसे पहले तुरंत यार इस बटन को दबा दो रेड वाले को, और घंटे को दबा दो यार, ठीक है, और वीडियो को बहुत फैलाना यार, 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं तुम लोगों को तुरंत से तुरंत, ठीक है. तो विद दैट नोट चलते हैं यार, ध्यान रखना सब लोग, क्लैट आने वाला है, खूब सारी मेहनत करनी है हमें, और इन ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच के दिखाना है अपने पेरेंट्स को. चलिए बाय बाय.